स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पुणे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हुए। कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर ने एक बड़ा दांव खेलते हुए वॉशिंगटन सुंदर की 3 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करवाई थी। वॉशिंगटन सुंदर इस भरोसे पर खरे उतरे और मुकाबले की पहली ही पारी में कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मुकाबले में कीवी बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया और विकेटों की झड़ी लगा दी। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जो इससे पहले वो अपने टेस्ट करियर में कभी नहीं कर पाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी वापसी पर धमाल मचा दिया। उन्होंने पहली पारी में न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर तोड़ने का काम किया। वो पहली पारी में भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने कुल 7 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। ये पहला मौका है जब वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट मैच की एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। वॉशिंगटन सुंदर ने इस मुकाबले में अपना पहला विकेट अश्विन रविंद्र के रूप में लिया था। इसके अलावा उन्होंने टॉम ब्लंडल, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम साउदी, एजाज पटेल और मिचेल सेंटनर को भी अपना शिकार बनाया। वॉशिंगटन सुंदर इस पारी में भारत के सबसे किफायती गेंदबाज भी रहे। ये उनके करियर का बेस्ट स्पेल भी है। इस मुकाबले से पहले वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया के लिए 4 मैचों में सिर्फ 6 विकेट चटकाए थे, लेकिन उन्होंने इस बार एक ही पारी में इससे ज्यादा विकेट ले लिए। खास बात यह रही कि उन्होंने 7 विकेट में से 5 विकेट क्लीन बोल्ड करके लिए। इस मुकाबले की शुरुआत में वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलने पर सवाल उठाए जा रहे थे। दरअसल वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच में कुलदीप यादव की जगह ली थी। ऐसे में सुनील गावस्कर ने भी इस फैसले को गलत बताया था। उनका मानना था कि इस मैच में कुलदीप को ही मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को गलत साबित कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर की इस दमदार गेंदबाजी के चलते ही न्यूजीलैंड की पहली पारी 259 रनों पर ढेर हो गई। वॉशिंगटन के अलावा आर अश्विन ने भी 3 विकेट हासिल किए और दोनों स्पिनर्स ने मिलकर न्यूजीलैंड के 10 बल्लेबाजों को आउट कर दिया।